हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दक्ष क्लासेस। आज मैं आपके लिए इंग्लिश राइटिंग में एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, एंड दैट इज एडवर्टाइजमेंट्स। एडवर्टाइजमेंट जनरली सीनियर क्लासेस में पूछा जाता है, एंड व्हाट इज एडवर्टाइजमेंट, लेट्स अंडरस्टैंड इट। ओके, व्हाट इज एन एडवर्टाइजमेंट? सी, एडवर्टाइजमेंट जो है वो जनरली हम न्यूज़पेपर के एक कॉलम में देखते हैं, और इसमें कोई भी व्यक्ति या कंपनी होता है जो अपने प्रोडक्ट को दिखाना चाहता है लोगों को कि उसका प्रोडक्ट या उसको कोई सर्विस है या उसके कोई आइडिया है उसको वो खरीदे। तो उसके लिए उसकी क्वालिफिकेशंस दी जाती हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पीपल, और एडवर्टाइज को इस तरीके से फ्रेम किया जाता है कि उसके तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित हो। ओके, इंग्लिश में अगर हम देखें तो एडवर्टाइजिंग इज अ हाउ अ पर्सन और कंपनी एनकरेजेस पीपल टू बाय देयर प्रोडक्ट, सर्विस और आइडियाज, एंड एडवर्टाइजमेंट्स और एड फॉर शॉर्ट इज एनीथिंग दैट ड्रॉज गुड अटेंशन टुवर्ड्स दिस थिंग्स। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट है, फर्स्ट हम एडवर्टाइजमेंट लिखते हैं मैट्रिमोनियल्स के लिए, मीन्स मैरिजेस के लिए, फॉर ब्राइड, फॉर ग्रूम। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी फॉर सेल, हम हमारे पास कोई प्रॉपर्टी हम उसको सेल करना चाहते हैं, कोई प्लॉट है हमारे पास या फिर कोई घर है, तो जब उसको सेल करेंगे तो उसकी क्वालिफिकेशंस लिखी जाएगी। प्रॉपर्टी टू परचेज, अगर हम कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं। टू लेट, अगर हम कोई शॉप या घर किराए पर देना चाहते हैं तो उसको टू लेट कहा जाता है। अकोमोडेशन वॉन्टेड, अगर हम कोई शॉप या घर किराए पर लेना चाहते हैं तो उसे अकोमोडेशन वांटेड कहा जाता है। लॉस्ट एंड फाउंड, अगर कोई चीज़ हमारी खो गई है तो हम उसके लिए भी एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं, या उसकी जगह अगर हमें कोई चीज़ मिली है, मान लीजिए कि हमें रेलवे स्टेशन पे कोई बैग मिला है तो हम उसकी एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं ताकि वो उसके रियल ओनर तक पहुँच जाए। नेक्स्ट है व्हीकल्स फॉर सेल, अगर हमारे पास कोई व्हीकल है, कार है या बाइक है, अगर हम उसे सेल करना चाहते हैं तो हम उसके लिए भी एडवर्टाइज दे सकते हैं। मिसिंग पर्सन, अगर हमारे घर से कोई पर्सन मिसिंग हो गया है तो हम उसके लिए भी एडवर्टाइजमेंट देते हैं। तो बेसिकली ये जो कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट है जिस पर मोस्टली पूछा जाता है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, मिस्टर शर्मा इज लुकिंग फॉर अ ब्राइड फॉर हिज सन, राइट एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश इन द मैट्रिमोनियल कॉलम ऑफ लोकल न्यूज़पेपर। जो भी मैरिजेस से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट दी जाती है उसे मैट्रिमोनियल कहा जाता है, वो ब्राइड और ग्रूम दोनों के लिए हो सकती है। इस क्वेश्चन के अंदर मिस्टर शर्मा एज अ फादर अपने बेटे के लिए एक दुल्हन ढूंढ रहे हैं और इसके लिए वो एडवर्टाइजमेंट देना चाह रहे हैं न्यूज़पेपर है। तो इसके लिए वो कैसे शुरुआत करेंगे लिखने के लिए? सबसे पहले हमें एक ऐसा बॉक्स फ्रेम करना है और उसके अंदर हेडलाइन ऊपर लिखनी है ब्राइड वॉन्टेड, कैपिटल लेटर्स में लिखी जाएगी। ओके, ब्राइड वॉन्टेड, ब्राइड चाहिए, बेटा उनके घर में है, उनको ब्राइड चाहिए, तो ऊपर हेडिंग डाली जाएगी ब्राइड वॉन्टेड। ब्राइड वॉन्टेड के बाद नेक्स्ट कॉलम में नीचे लिखेंगे अलायंस इनवाइटेड फॉर, अलायंस मैरिज के लिए कहा जाता है अलायंस इनवाइटेड फॉर अ स्मार्ट हैंडसम। सबसे पहले क्वालिफिकेशन लिखी जाएगी उनके बेटे की, सन की, ग्रूम की, ठीक है, जिस जो लड़की चाहता है, तो वो पहले क्या कौन है कैसा है उसके बारे में लिखा जाएगा। तो अलायंस इन्वाइटेड फॉर अ स्मार्ट हैंडसम ब्राह्मण बॉय, सबसे पहले कास्ट लिखी जाती है ब्राह्मण बॉय। एज लिखेंगे लड़के की, कितनी एज है, 25 इयर्स ओल्ड। आगे लिखेंगे इसका हाइट कितना है, 5'6" टॉल है। ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन है, कॉम्प्लेक्शन हम फेयर भी लिख सकते हैं, हम ब्रिटिश भी लिख सकते हैं। एकेडमिक क्वालिफिकेशन, सबसे पहले हम अपनी उसकी फिजिकल अपीयरेंस देंगे, स्मार्ट हैंडसम ब्राह्मण बॉय, 25 इयर्स ओल्ड, 5'6" टॉल, ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन, ये फिजिकल था। फिर हम उसके एकेडमिक क्वालिफिकेशंस पे आएंगे, एमए बीएड है। नेक्स्ट इज परमानेंट स्कूल लेक्चरर इन अ गवर्नमेंट स्कूल, अब हमने करियर के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी है तो उसमें लगभग सारी इंफॉर्मेशन आ गई है। तो अब लड़की कैसी चाहिए उसके लिए एक लाइन में हम दे सकते हैं, लुकिंग फॉर अ रियली ब्यूटिफुल स्लिम एंड वेल एजुकेटेड गर्ल फ्रॉम अ गुड फैमिली। इसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी जा सकती है, कॉन्टैक्ट अस, मोबाइल नंबर, एड्रेस एंड ईमेल आईडी। हमें ये ध्यान रखना है कि एग्जाम में हमें किसी भी प्रकार का कोई मोबाइल नंबर नहीं लिखना, एड्रेस नहीं लिखना और ना ही कोई ईमेल आईडी लिखना है, उसकी जगह आपको डॉट डॉट लगाना है। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट है ये ब्राइड वॉन्टेड का एडवर्टाइजमेंट। थैंक यू।